अजकल ब्रैम्पटन काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों के विच है। ब्रैम्पटन के सिटी कौंसल की गल की जाए तो ब्रैम्पटन के सिटी कौंसल के विच चल रहा काटोकलेश सब के सामने है। अजिहे दे विच नवे चेहरे अगे आ रहे हैं ताकि ब्रैम्पटन के जो मौजूदा मुद्दे ने उन्हां नूं सिटी कौंसल तक पहुँचा के उन्हां दा हल करन दे लई कोई ना कोई संभव यतन किए जा सकन, जिस दे चलदिआं वार्ड नंबर 7 अते 8 तो रीजनल कौंसलर के वजों रिपुदमन ढिल्लों वालों अपना नाम जिहड़ा नॉमीनेशन दे लई भरिया गया है, ते जिस तों बाद भाईचारे दे वल्लों उन्हां दा पूरा समर्थन जा रहा है। हाल ही दे विच उन्हां दे वल्लों अपने ऑफिस की ऑफिशियल ओपनिंग की गई ते अपनी कैंपेन नूं भी उन्होंने ऑफिशियल तौर पर स्टार्ट किया। वार्ड नंबर 7 अते 8 तो रीजनल कौंसलर की चोण लड़ रहे रिपुदमन ढिल्लों वालों बीते दिन अपने अधिकारिक दफ्तर का उद्घाटन करदिया चोण मुहिम की शुरुआत की गई। इस दौरान उन्होंने वड्डी गिणती में वख-वख भाईचारे के लोग समर्थन लेने लई पुछे। इस मौके पर खुद म्यूनसीपल चोण लड़ रहे अवतार बूंदी वालों जिथे रिपुदमन के हक में गल की गई तो उत्थे मुरारी लाल थपरियाल जो खुद MP वजों चोणां लड़ चुके हैं उन्होंने कहा कि इस वेले ब्रैम्पटन सिटी में काम नहीं हो रहा और नौजवानों को अगे आने की लोड़ है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने पूरी उम्मीद है कि रिपुदमन ब्रैम्पटन के मुद्दे सिटी कौंसल तक लेके जाएंगे। टुडे वी ऑल आर हियर टू इंडोर्स टू सपोर्ट रिपुदमन सिंह ढिल्लों रीजनल कौंसलर कैंडिडेट सिटी ऑफ ब्रैम्पटन वार्ड 7 एंड 8। वी वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वोटर ऑफ वार्ड 7 एंड 8 प्लीज कास्ट योर वोट इन एडवांस पोल, कास्ट योर वोट ऑन फाइनल डे ऑफ वोटिंग दैट इज October 24th 2022 to get Ripudaman Singh Dhillon elected as new regional councillor, as there are so many problems, so many issues in the city hall, and to clean up, to put the city back on track, we need energetic young leader, and that is the suitable candidate, the best candidate, Ripudaman Singh Dhillon. Aaj Ripudaman ji de campaign office di official launch hai. सो मैं उन्होंने अपने वालों और अपनी सारी टीम वालों बहुत बहुत मुबारक दिना और अरदास करदा कि परमात्मा उन्होंने इस मिशन दे विच कामयाबी बख्शे। सो बढ़ चढ़ के उन्होंने आपां नूं मदद करनी चाहिए है अपनी कम्यूनिटी के यंग नौजवान होनहार कैंडिडेट ने, सो आपां नूं बढ़ चढ़ के उन्होंने मदद करनी चाहिए है। उत्थे इस मौके वार्ड नंबर 7 अते 8 तो कौंसलर की चोण लड़ रहे दमिंदर घुमण भी रीजनल कौंसलर रिपुदमन ढिल्लों के हक में आके बोले। उन्होंने कहा कि सिटी कौंसल में काम नहीं हो रहा और इसलिए नवे चेहर अगे आना काफ़ी जरूरी है। उत्थे इस मौके पर नौजवानों को भी मुहिम नाल जोड़िया जा रहा है, जिस तहत नौजवान लीडर स्मृति दत्ता को इस चोण मुहिम का कैनवस चेयर बनाया गया है। हेलो एवरीवन, आई वांट टू थैंक एवरीवन फॉर कमिंग आउट फॉर द ऑफिशियल कैंपेन लॉन्च ऑफ रिपुदमन ढिल्लों वार्ड 7 एंड 8 रीजनल काउंसलर कैंपेन। आई वांट टू थैंक एंड रिकॉग्नाइज एवरीबॉडी हियर दैट टुक आउट देयर टाइम ऑन संडे, इट्स रियली हार्ड, it means a lot, and thank you. I also want to thank Ripu uncle for trusting me and giving me the opportunity to work alongside him and canvas as the canvas chair, and as well as many other responsibilities. I worked in many campaigns before, but this campaign means a lot to me. I believe that Ripu uncle is a perfect candidate for the regional councillor, because there must be a few changes to how Brampton has been run. My name is Daminder Kumar. I'm from Ward 7-8 to city council today. खड़ा हुआ हूँ ते उम्मीद है कि जिन्हें भी अपने इस वार्ड के विच हैगे है, मैं पिछले 17 साल तो इस वार्ड च रह रहा, तो आई नो द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस वार्ड, तो प्लीज़ मैनू हेल्प करो, तो मैं सिटी जावां तो तुहाडे लोकां लई सारे लई काम करा। राइट, अज दी तरीक सिटी विच कोई काम नहीं हो रहा, तो नवे चेहरियां दी लोड़ है, तो मेरी तुसी वोट करके 24 तरीक नूं जिताओ, तो सारे का अपना ही कैंडिडेट हैगे, तुहाडी अपना ही बंदा है, तो इहनूं प्लीज़ हैल्प करो। भाईचारे की मनी परमनी शख्सियत जगदीश करेवाल ने भी लोगों को अपील की है कि इस बार असी कोई कमी नहीं छड़नी, MPP की चोण वेले साडे वल्लों जो कमियां रहियां सी उन्हां नूं असी पूरा करांगे। उन्होंने कहा कि रिपुदमन हमेशा ही राजनीतिक मुद्दों ते वधिया पकड़ रखते ने अते शहर दे मसलियां तो उपली पांती जाणू ने अते उन्हां नूं हल करन लई भी तत्पर रहिंदे ने, जिस दे चलदिआं इन्हां नूं वोट पा के कामयाब किया जाए। सो बैलट पेपर के उत्ते अपना नाम पाउणा एक बड़े हौसले वाली गल हुंदी है। सो रिपु ढिल्लों ने इस बार वार्ड 7 अते 8 नूं रीजनल कौंसल लई चोण लड़न वास्ते अपना नाम बैलट पेपर के उत्ते पाया, सो इसलिए असी इन्हां नूं सारे शुभ शामां देंदे आ। मैं रिपु ढिल्लों होणा नूं बड़े लंबे समय तो जाणदा, हमेशा ही
समाजिक अते राजनीतिक विषयों के उत्ते चर्चा होंदी रहती है जिदे लई जिसनू सुधारन दे लई रिपू ढिल्लों होनी सदा तत्पर रहिंदे ने। सो पिछली वारी असी ब्रैम्पटन नॉर्थ तो पी सी पार्टी वालों एम पी पी की चोण लड़ी सी जिहड़ी कि बहुत थोड़े फर्क के उत्ते रह गई सी। उस तो बाद असी एनालिसिस किया कि असी होर की कर सकते सीगे, असी कित्थे लूज किया। सो निक्कियां निक्कियां गल्लां ने सानू बहुत कुछ सिखाया। अज इस गैदरिंग तो ये असी अंदाजा ला सकते हैं कि ये उन्ना ही निक्कियां निक्कियां गल्लां तो सीखे हुए सबक ने कि अज साड़ी इस ओपनिंग दे उत्ते कम्यूनिटी की हर राजनीतिक अते नाल दी नाल समाजिक धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन दे आगू इत्थे पहुँचे हुए ने अते रिपू ढिल्लों नूं शुभ शामा देण लई पहुँचे हुए ने। आए हुए मेहमानों का धन्यवाद करदिया अखीर विच रिपू दमन ढिल्लों ने मीडिया के मुखातिब हुंदिया कहा कि इस वेले अपने निजी फायदे नूं पिछे छड के शहर लिए कुछ करन दा समा है अते चोणां विच उही अगे आए अते सिटी कौंसल तक पहुँच करे जिस विच अपने निजी फायदे तो उपर उठ के शहर लिए कुछ करन दा जज्बा है। मेरा नाम जी रिपू दमन सिंह ढिल्लों, मैं वार्ड नंबर 7 और 8 तो एज ए रीजनल काउंसलर थोड़े लिए खड़ा होया हाँ ब्रैम्पटन तो ही। और मैं दो तीन चीज़ों की गल करना चाहवागा कि ब्रैम्पटन की सिटी हॉल जो भी इस वेले गलत चीज़ा चल रही ने आप उन्होंने ठीक करना है। आप अपने सैल्फ इंट्रस्ट नहीं लैके आने, असी करना है जी काम ब्रैम्पटन वास्ते। जे ब्रैम्पटन आप सोचांगे असी अपने सैल्फ इंट्रस्ट बाहर रख के आवेंगे ताकि असं ब्रैम्पटन की तरक्की बारे गल कर सकते हैं। मेरी दो चीज़ा मेन रोड सेफेस्ट रोड्स ताकि बच्चों वास्ते साडे सीनियर्स वास्ते उन्होंने द्वारा अपने ब्रैम्पटन दी सड़कां ते इधर उधर ना जाना पवे कि उन्होंने देखना ना पवे कि ट्रैफिक किस तरीके चल रहा। टू अपने ब्रैम्पटन सिटी हॉल में असी अकाउंटेबल करना हैगा आ ताकि हर कोई अपने सैल्फ इंट्रस्ट की बारी गल ना करके ब्रैम्पटन बारे पहला सोचे एज एन ए रिप्रजेंटेटिव। जोड़े भी साढ़े सैल्फ इंट्रस्ट है असं बाहर रख के आने हैं एंड टू मेक मोर अकाउंटेबल। एंड मैं एक टीम प्लेयर है, मैं एक टीम के काम करना है। मैं ये नहीं है कि मेरी टीम के कौन है क्योंकि असी एज एन ए टीम असी ब्रैम्पटन के फ्यूचर वास्ते गलबात कर सकते हैं। सो मैं एक रिक्वेस्ट करा कि 24 अक्टूबर तुम मैं वोटा पा के कामयाब करना है ब्रैम्पटन के वार्ड नंबर 7 और 8 तो एज ए रीजनल काउंसलर। हमदर्द टीवी लिए ब्रैम्पटन तो मनदीप पुनिया की रिपोर्ट।